फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th की फिजिक्स का पार्ट 10 कर रहे हैं, जो कि इस अध्याय सेकंड का लास्ट पार्ट है। बहुत ध्यान से देखना, आखिरी पार्ट है ये। पार्ट का नाम है मात्रक तथा मापक, ठीक है। इसका हेडिंग है पहला, सार्थक अंक। क्या होते हैं सार्थक अंक? बहुत ही बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है सार्थक अंक ज्ञात करना, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप कभी भी ना भूलें। इस तरीके से सार्थक अंक को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सार्थक अंक की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। किसी भौतिक राशि की माप में यथार्थता पूर्वक। इन दो वर्डों को आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि सार्थक अंक कोई अंक नहीं है, अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं यथार्थता पूर्वक अंक और क्या होते हैं संदिग्ध अंक, ये चीज हम समझते हैं। सपोज हमें कोई भी नंबर दे रखा है, 2.5432, कुछ भी लिख लिया, XYZ हम कुछ भी लिख सकते हैं, इतना ना लिखकर हमने ये लिख लिया, ठीक है। तब हमने देखा कि सार्थक अंक कितने हैं, तो सार्थक अंकों की संख्या है 1, 2, 3। कितने सार्थक अंकों की संख्या? 3 है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आई। अब यहां हम देखते हैं कि एक है संदिग्ध अंक और एक यथार्थता पूर्वक। यथार्थता पूर्वक मतलब यथार्थ अंक। यथार्थ अंक ऐसे अंक लास्ट अंक को छोड़ने के बाद जो शुरू के अंक होते हैं, इनको बोलते हैं यथार्थतापूर्व अंक। लास्ट जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हम संदिग्ध अंक। इसको क्या बोलते हैं? संदिग्ध अंक, क्लियर। अब ये संदिग्ध अंक होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई भी माप दे रखी है, उस माप में आखिरी जो नंबर होगा वो कम या ज्यादा होता रहता है, ठीक है। कैसे होता है? सपोज हमने कहा आपसे कि 1 किलो चीनी लेकर आनी है, ठीक है। 1 किलो चीनी लेकर आनी है, तो 1 किलो चीनी है तो हमें जरूरी नहीं है वो 1 किलो ही पूरी की पूरी दे, उसके आगे माप के अंदर 0.05 ये हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.02 हो सकता है। यानी कि आखिरी नंबर जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है, और उसको मापने के लिए इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको मान क्या रहा है। उसको 1 मान रहा है, 2 मान रहा है, 3 मान रहा है। एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। सपोज हमारे पास 2.5 और 5.2 सेंटीमीटर का कोई लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई है। और हमने कहा एक स्केल है, और स्केल के ऊपर यहाँ 1 सेंटीमीटर लिखा है, ये 2 सेंटीमीटर लिखा है, ये 3 सेंटीमीटर लिखा है, क्लियर। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, हमें 2 सेंटीमीटर हम पूरी तरीके से कोई भी नापेगा, मैं नापो, तुम नापो और कोई नापे, उन सबको नापने के लिए 2 सेंटीमीटर कंफर्म पता है, यहाँ तक तो वो नापेगा ही नापेगा, ठीक है। उसके बाद इसने आगे बढ़ा 5 सेंटीमीटर आगे, 5 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा, तो इसका आधे में 0.5 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर आकर इसे पता चल गया कि ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर है। अब ये जो 2 सेंटीमीटर है वो यहाँ से आगे नापने के लिए हो सकता है वो यहाँ पर हो सकता है यहाँ हो सकता है इधर हो थोड़ा सा। कहने का मतलब यह है कि एक लगभग के रूप में इंसान ले लेता है। सपोज हम इसे थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं कि ये 0.5 था, 0.5 के बाद एक नंबर है, मतलब एक खाना है, 2 खाना 3 खाना 4 खाना, और हमारी लंबाई अगर यहाँ पर आकर अटक गई कहीं पर, ठीक है, तो वो उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ लंबाई आ रही है तो वो उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसे देखेगा, जो उसे नापेगा, इस आधी वैल्यू को वो 2 माने या इस आधी वैल्यू को 1 माने, ठीक है। बहुत से लोग होंगे वो इसे 2.5 ही लिख कर छोड़ देंगे, इतनी पीछे की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर जाएंगे। बहुत से होंगे इसे लेना होगा तो 2.51 ले लेंगे, ठीक है, और बहुत से होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ले सकते हैं, ठीक है, 5 2 ले सकते हैं।
तो मींस क्या है, ये जो आखिरी नंबर है, ये आखिरी नंबर हमें कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संदिग्ध अंक, ठीक। तो संदिग्ध अंक और जो नंबर दे रखे हैं, इन नंबर्स का जो टोटल कितने नंबर हैं उनको गिनकर लिखना ही हमारा सार्थक अंक कहलाता है, ठीक है। ये बात आपको कंफर्म पता चल चुकी है मैं समझता हूं। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सार्थक अंकों के बारे में कि उनकी क्या क्या शर्तें होती हैं। थोड़ी सी पहली शर्त, अगर हमें पॉइंट से पहले जीरो लिखा है, पॉइंट से पहले जीरो लिखा है और पॉइंट के बाद कोई भी संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अब इस संख्या लिखने के बाद शुरू में हम कितने भी जीरो लगा लें उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये बात आपको समझ के रखनी है कि पॉइंट से पहले जीरो लगे हुए हैं, कितने जीरो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसी तरीके से पॉइंट लिखा है और पॉइंट के बाद में लास्ट में कितने जीरो लगा लें उनकी भी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, समझ में आई बात। अब ये वैल्यू नहीं है इनकी तो इसे हम नहीं काउंट करते, ये वैल्यू नहीं है तो इनको भी काउंट नहीं करते। तो यहाँ अगर जीरो लिखा है तो सार्थक अंक हमारे पास होंगे 1, 2, 3, 4। कितने होंगे सार्थक अंक? 4। पहली चीज ये पता चलती है। दूसरी चीज कि पॉइंट से पहले अगर जीरो लगा हुआ है उस जीरो की वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक उससे पहले कोई नंबर ना लिखा हुआ हो। सपोज यहाँ 1 भी लिख दें अगर, तो ये जीरो की वैल्यू हो जाएगी, इसे काउंट किया जाएगा। अब सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने होगा सार्थक अंक? 6, क्लियर। अब इसी को आगे बढ़ते हैं। सपोज हमें यहाँ पर दे रखा है 0, 0, ठीक, इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। इस समय जो सार्थक अंकों की मान है वो है 1, 2, 3। कितने हैं सार्थक अंक? 3, क्लियर। कितने हैं सार्थक अंक? 3। लेकिन अगर इसके बाद हमने कुछ भी लिख दिया, एक नंबर भी लिख दिया, तो इन जीरो की भी वैल्यू बन जाती है, तब सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हो जाएंगे सार्थक अंक? 6। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी मैं समझता हूँ कि अगर जीरो शुरुआत में लिखा है या लास्ट में लिखा है उसका तब तक मान पूरा नहीं होता जब तक उसके बाद में कोई अंक ना लिखा हो। पॉइंट में अगर पॉइंट के बाद जीरो है तो लास्ट में कोई संख्या ना लिखी हो, या फिर शुरू में अगर पॉइंट से पहले जीरो है तो उससे पहले कोई संख्या ना लिखी हो, तब तक उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब आती है दूसरी कंडीशन, कि एक कंडीशन आती है जहां पर हम 1.543 इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है। अब इनके मान में यथार्थता पूर्वक अगर मान निकालना है हमें, ठीक है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट वाला जो नंबर होता है अगर पूर्ण रूप से ज्ञात करना है इनको, पूर्ण सार्थकता ज्ञात करनी है इसकी, तो हम लास्ट नंबर को हटा देते हैं और उससे पहले नंबर के अंदर हम प्लस या माइनस करते हैं। वो कैसे करते हैं कि अगर लास्ट नंबर 5 है या 5 से बड़ा है उसे हटाकर 1 जोड़ देंगे पहले नंबर में, अगर 5 से छोटा है तो उसको ऐसा कैसे ही हटा देंगे। अब ये डिपेंड किस चीज़ पर करता है? वो डिपेंड करता है इसके आगे लिखे गए मात्रक के ऊपर। अगर सेंटीमीटर लिखा है तो इसे समझते हैं, अगर सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर का मतलब होता है कि हम 1.99 सेंटीमीटर तक लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद दो स्थान तक लिख सकते हैं सेंटीमीटर अगर हमें मात्रक दे रखा है तो, ठीक है, क्लियर। अगर हमें कोई सेंटीमीटर की जगह किलोमीटर दे रखी होती है वैल्यू तो हम उसको 3 स्थान तक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर होने का मतलब हो गया कि अगर यहाँ 999 है, एक भी लिखते के साथ 1000 हो जाएगा और यहाँ पर 2 किलोमीटर ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये 2 किलोमीटर बन जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि ये इसकी यथार्थता कैसे पता चलेगी, इस पर लिखे हुए मात्रक के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ अगर हमें इसके यथार्थ मान ज्ञात करना है तो क्या होगा कि हम इसके सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए, इसमें वैसे तो सार्थक अंक दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, लेकिन जब इसमें यथार्थतापूर्ण शुद्ध सार्थक मान ज्ञात करने कहेगा तब हम क्या करेंगे, इस 3 को गायब कर देंगे। 1.5, 3 क्या है? 5 से छोटा है,
इसे ऐसे हटा देंगे, 4 तक रहेगा और कितने यथार्थ, इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने सार्थक अंक प्राप्त हुए इसमें, 3 सार्थक अंक प्राप्त हुए। तो मैं समझता हूँ आपको सार्थक अंक के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब सार्थक अंक के बाद इसमें दो चीजें और बचती हैं, वो चीज हम बता देते हैं, सार्थक अंक का योग और सार्थक अंक का घटाना। देखो घटाना और जोड़ना दो चीजें और आती हैं, तो उन दो चीजों को और समझ लेते हैं, बहुत बारीकी से समझेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 5.4 और इसके अंदर हमें जोड़ना है 0.5, ठीक है, ये दो वैल्यू हमें जोड़नी है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1.54 और इसके 0 लिखा और ये 5 लिख लिया। यहां से जब इसे जोड़ा तो जोड़ने के बाद आता है 2.04, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 3 लिखी है तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, समझ लीजिए कि ये जो सम है इनके अंदर हम सार्थक अंकों की संख्या उसी तरीके से मानते हैं जो हमारा सवाल दे रखा है, उसमें पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट जहां पर होंगी, जितनी कम डिजिट होंगी हमें आंसर उसमें देना होगा, उस फॉर्म में। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 स्थान तक दे रखा था और यहाँ पॉइंट के बाद 1 स्थान तक है, तो कम कितना है, 1 स्थान तक। तो आंसर में हम पॉइंट के 1 स्थान तक ही लिखेंगे। तो यहाँ से आंसर तो ये आ गया, जोड़ लिया हमने, लेकिन जब सार्थक अंक निकालेंगे तो इसका सार्थक अंक होगा 2.0। यहाँ से ये 4 है, हट जाएगा क्योंकि 5 से छोटा है और इसमें कोई भी बड़ी वृद्धि नहीं होगी। तो सार्थक अंक कितने होगा, 1, 2, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 2 सार्थक अंक प्राप्त हो जाएंगे। सेम कंडीशन हमारी आती है माइनस पर, अगर हमें इसे घटाना है तो 1.54 और 0.5 माइनस करेंगे 4.0.1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए सार्थक अंक, क्योंकि हमारा एक डिजिट तक है तो एक डिजिट देखेंगे, यहाँ से एक डिजिट तक ही मान लिखा जाएगा 1.0, सार्थक अंक कितने हो गए, 2, ठीक है, सार्थक अंक हो गए हमारे 2, ठीक। इस तरीके से मैं समझता हूँ आपको सार्थक अंक के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। यही कंडीशन हमारी गुणा में होगी, अगर आप गुणा करते हैं इनकी तो वही सिचुएशन हमारी गुणा में होनी है और वही सिचुएशन हमारी भाग में होनी है। बस ध्यान ये रखना है कि पॉइंट के बाद कितने स्थान कम से कम दे रखे हैं, तो हमें आंसर में उसी स्थान तक हमें लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सार्थक अंक के बारे में सब कुछ सही से समझ में आ चुका होगा और मेरा द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ 2 यानी कि अध्याय 2 जो है वो पूरा आपको सही से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई चीज़ छूट गई हो मुझसे तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, और अगर नहीं छूटी है तो उम्मीद करता हूँ आप सही से पढ़ें। और केवल मेरी वीडियो देखने से ही आपको मेरी दिल की इच्छा ये कहती है कि आपको सब कुछ समझ में इतना अच्छा आ गया होगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी आप इनको वीडियो को देखकर नोट्स बनाइए, अपने अपने दोस्तों को दिखाइए और पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से। गुड लक।